जब भी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान होने वाले सर दर्द की बात आती है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन्स यूज़ करते समय हेडेक की बात आती है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लें या आप ऑप्टिशियन के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, वो एक ही चीज़ आपको प्रेफर करते हैं, वो होती है ब्लू कट लेंसेज। ये जो ब्लू कट लेंसेज होते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने भी चश्मा ब्लू कट का पहन रखा है, लेकिन क्या ये सचमुच में फ़ायदेमंद होते हैं? ब्लू कट लेंसेज आपकी आंखों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, या सिर्फ ये एक मार्केट कॉन्स्पिरेसी है, सिर्फ मार्केटिंग करने का एक फंडा है अपने सामान को बेचने का? तो आज हम इसी बारे में पूरी तरह से जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लू लाइट हमारी आंखों पे इफ़ेक्ट कैसे करती है। देखिए, कुछ स्टडीज़ में पता चला है कि ब्लू लाइट आंखों के लिए डैमेजिंग होती है, लेकिन कितनी? उन स्टडीज़ में कुछ चूहों के ऊपर स्टडी करी गई, उनमें देखा गया कि उनकी आंखों पर लेज़र लाइट को डाला गया, ब्लू लाइट को उनकी आंखों के ऊपर डाला गया, उसके बाद में उनके ऊपर देखा गया कि उनके रेटिना के ऊपर काफ़ी डैमेज हुआ। लेकिन ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेज़र लाइट से निकली हुई ब्लू लाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट की तुलना में, और जो आप डे लाइट में जो ब्लू लाइट होती है उसके तुलना में। तो क्या ये ब्लू लेंस बेकार होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको और थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। ब्लू लाइट जो होती है स्क्रीन से निकलने वाली या डे लाइट में निकलने वाली, वो रेटिना को डैमेज करती है या नहीं करती, इसके बारे में तो प्रॉपर एविडेंस नहीं है, लेकिन ये हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न होती है उसको जरूर प्रभावित करती है। वो कैसे होता है? एक्चुअल में जब हम सुबह जगते हैं तो हमारी आंखों से डे लाइट टकराती है, और हमारी आंखों पे जब ब्लू लाइट का फोकस जाता है तो उस समय पीनियल ग्लैंड जो होती है एक मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन कम कर लेती है, जिसके वजह से हमें नींद नहीं आ पाती और हमारी आंखों को ऐसे महसूस होता है कि अभी दिन है और हम नहीं सोएंगे। लेकिन जब शाम होती है उस कंडीशन में जो डे लाइट है, जो सनलाइट है, वो घट जाती है और ब्लू लाइट हमारे रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती, ब्लू लाइट रेटिना के संपर्क में नहीं आती, जिसके वजह से हमारी बॉडी में पिनियल ग्लैंड जो है मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देती है, जिसके वजह से हमें स्लीपी महसूस होने लगता है, हमें नींद आने लगती है और ऐसे महसूस होता है कि हम थक गए हैं, हमें सोना चाहिए, हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली स्क्रीन्स के संपर्क में रहते हैं और आपकी रेटिना तक ब्लू लाइट पहुंचती रहती है, उसके वजह से जो मेलेटोनिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन नहीं हो पाता और आपके ब्रेन को ये फील होता है कि अभी दिन है, अभी डे लाइट है और आपको नहीं सोना चाहिए, जिसके वजह से आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। तो अगर आप रात के 11, 12, 1 बजे तक फ़ोन चलाते रहते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, और अदरवाइज आप ऑन द अदर हैंड अगर उसको डिवाइस को हटा के रख भी देते हैं, उसके बाद भी आप आधा पौना घंटे तक नहीं सो सकते, क्योंकि आपके ब्रेन को ये पता चल चुका है कि अभी डे लाइट है, अभी आपको नहीं सोना चाहिए, जिसके वजह से आपका स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो जब आप ब्लू कट लेंसेज यूज़ करते हैं तो जो ब्लू लाइट है वो आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से आपकी आंखों को थकान कम महसूस होती है, उसमें टायर्डनेस कम फील होती है। तो उसके बाद आते हैं मेन पॉइंट पे, क्या ये ब्लू कट लेंसेज सचमुच में काम करते हैं या ब्लू कट लेंसेज बिल्कुल ही बेकार है? जब आप स्क्रीन्स पे काम करते हैं या जब आप लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स को देखते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये समझना होगा कि हेडेक होने के लिए, स्ट्रेन होने के लिए, फटीक होने के लिए सिर्फ एक ब्लू लाइट जिम्मेदार नहीं है, उसके मेन चार कारण होते हैं। फर्स्ट जो कारण होता है वो होता है ब्लिंकिंग रेट। ब्लिंकिंग रेट का मतलब होता है हम जब नॉर्मली हम जागते रहते हैं, हम जब नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, उस समय हमारी जो पलक है हमारी आँख के ऊपर लगभग एक मिनट में 18 से 20 बार झपकती है, जिससे कि अपनी आई के ऊपर एक टियर फिल्म मेंटेन हो जाती है, लुब्रिकेशन बना रहता है, चिकनाई बने रहती है। तो जब आप स्क्रीन्स को यूज़ करते हैं उस वजह से क्या है, जो ब्लिंकिंग रेट है, जो पलक झपकने की दर है एक मिनट में, वो 5 से 6 लगभग 7 के आसपास आ जाती है, जिसके वजह से टियर फिल्म जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती और आपकी आँख में मॉइस्चर कम हो जाता है और आपको ड्राइनेस के वजह से ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है। दूसरा जो कारण होता है एकोमोडेशन। तो लगातार जब आप स्क्रीन्स को देखते रहते हैं, नज़दीक की चीज़ को लगातार देखते रहते हैं, तो उसके वजह से आपकी आंखों में आपका एकोमोडेशन काम करता रहता है, यानी कि नज़दीक की चीज़ों को देखते वक्त जोर लगाने की जो आपकी क्षमता होती है वो काम करती रहती है। तो लगातार जब आप एकोमोडेशन करते रहेंगे उसके वजह से भी आपकी आँख को स्ट्रेन महसूस होने लगेगा, आपका दिमाग में खिंचाव महसूस होने लगेगा और आपको हेडेक महसूस होने लगेगा।
उसको हमें कैसे हटाना है, हम स्ट्रेन को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए ये पॉइंट मैं आपको दो मिनट बाद में समझाता हूँ। पहले आप तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा होता है डिस्टर्बिंग स्लीपिंग पैटर्न। तो अगर आप कहेंगे इस समय तो मैं नहीं सो रहा, लेकिन नहीं, अगर आप रात को आपने अच्छी तरह से नींद नहीं ली है, आपने अपने दिमाग को पूरी तरह से फ्रेश नहीं किया है, तो आपको डे लाइट में भी वो प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपका नाइट में स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है तो दिन में भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। चौथा जो पॉइंट निकल के आता है वो होता है ब्लू लाइट। जैसा कि मैंने बताया, तो ब्लू लाइट ही आपके स्लीपिंग पैटर्न को बिगाड़ देती है। तो कहीं ना कहीं तीसरे पॉइंट के लिए आपका चौथा पॉइंट जो है ब्लू लाइट ही जिम्मेदार होती है, जिसके वजह से आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होता। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने के बेसिकली जो पॉइंट्स हैं आपको उन्हें ध्यान से सुनना होगा। फर्स्ट जो पॉइंट होते हैं जिसे हम लोग डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो होता है अपना स्क्रीन टाइम कम कर देना। तो अगर आप बेवजह ही फ़ोन चलाते रहते हैं, अगर आप कंप्यूटर बेवजह इस्तेमाल करते रहते हैं, अगर आपकी टाइमिंग ज़्यादा है, आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं, उस कंडीशन में आपको अपना स्क्रीन टाइम घटा देना चाहिए। तो अगर अपना स्क्रीन टाइम आप घटा देंगे, जिसके वजह से नॉर्मली आपकी आंखों को थकान पैदा नहीं होगी। दूसरे तरीके में क्या आता है, आपके आजकल जितने भी गैजेट्स आते हैं सभी में एक सेफ आई मोड होता है, जिसके वजह से जो ब्लू लाइट होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर आप अपने गैजेट में जाके नाइट मोड या सेफ आई मोड एक्टिव कर लेते हैं, जिसके वजह से आपकी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट कम हो जाती है, जिसके वजह से आपकी आंखों को भी थकान जो है काफ़ी कम महसूस होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट होता है 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल में आपको क्या करना है, अगर आप लगातार स्क्रीन पे देखते रहेंगे, नज़दीक में आपकी आंखें वर्क करती रहेंगी, तो आपको एकोमोडेशन लगातार करने की वजह से आपकी आंखें थक जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला 20 आपको लगभग हर 20 मिनट में लगभग 20 सेकंड तक 20 फिट की दूरी पे देखना है। तो जब आप हर 20 मिनट में 20 फिट की दूरी पे 20 सेकंड तक देखेंगे, तो आपको जो एकोमोडेशन है वो रिलैक्स पे चला जाएगा। तो जब आपका एकोमोडेशन कंटिन्यूसली वर्क नहीं करेगा, तो उसके वजह से आपकी आंखों में थकान कम होगा, जिसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। और जो चौथा फैक्टर काम में आता है वो होता है ब्लू कट लेंसेज यूज़ करना। हाँ जी बिल्कुल, ब्लू कट लेंसेज जो हैं वो कम से कम आपकी ब्लू लाइट जो है उसको आँख में जाने से रोकते हैं, जिसके वजह से आपकी आँखों में फटीग पैदा नहीं होता। ये आप जब ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू लाइट जो है डिस्टर्बिंग नहीं होती, ब्लू लाइट डैमेजिंग नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनको ब्लू कट का चश्मा स्पेक्स जो है एडवाइस कर देते हैं, उनके बाद उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। जो नॉर्मली वो स्क्रीन टाइम पहले 2-3 घंटे कर रहे थे, अब वो 6-7 घंटे भी आसानी से कर पाते हैं। और जो लोग बैंकिंग वगैरह में काम करते हैं, जिनका काम या उन्हें स्क्रीन्स पे काम करना है, उन लोगों को काफ़ी स्ट्रेन जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा एक चौथा हैक और होता है, अगर आपको अपना CVS कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ठीक करना है, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान फटीग होता रहता है, अगर आप मोबाइल TV लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपको ठंडे पानी की सिकाई करनी है, कोल्ड फॉर्मेंटेशन। आपको ठंडा पानी लेना है, ठंडे पानी में कपड़े को भिगोना है, पट्टी जैसी बनानी है और आँख बंद करके पलकों पर रख कर लेटना है। तो अगर आपके पास दोपहर में समय है तो आप ठंडे पानी की सिकाई दोपहर में 5 मिनट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको शाम को सोने से पहले तो ठंडे पानी की सिकाई करनी है, जिसके वजह से आपकी आंखों में स्ट्रेन नहीं होगा, फटीग कम होगी। जो ब्लू कट लेंसेज होते हैं वो हमारी आंखों के लिए अच्छे ही होते हैं, वो कोई बुरे तो होते नहीं है। अगर आप ब्लू कट लेंसेज कंटिन्यूसली यूज भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी आंखों को डैमेज करेंगे, तो वो आपकी आंखों को बेसिकली प्रोटेक्ट ही करते हैं। तो जो ब्लू कट लेंसेज हैं आपको अच्छे से इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि आपकी आंखों में फटीग ना हो, आपको स्ट्रेन महसूस ना हो और आपको हेडेक भी ना हो।